नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था की, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की। ये हम पढ़ेंगे आज इसका सेकंड लेक्चर, और ऑलरेडी आपका जो है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बेसिक तौर पर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ बेसिक चीजें, यानी कि इंट्रोडक्शन टाइप का जो लेक्चर था, उसको हमने पढ़े थे। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो सारी सीरीज है, वो आपको काम आने वाली है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई भी स्टेट की जो पीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं उनमें, और उसके अलावा एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और अदर जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी या कोई बैंक एग्जाम होते हैं, जहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बेसिक से ये स्टार्ट हो रही है। आपने देखा होगा, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा तो आप समझ गए होंगे, जो जिसको अर्थशास्त्र जीरो भी नहीं आता है या अर्थव्यवस्था के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से उसके सेक्टर्स होते हैं, देखिए मुख्यतः तीन होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी, जिसे हम तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके अलावा भी फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर भी जो होते हैं सेक्टर्स होते हैं, जो कि इसके सब पार्ट्स के रूप में गिने जाते हैं, यानी कि टर्शियरी सेक्टर के ग्रुप एक इसकी कैटेगरी के अंतर्गत ये आते हैं, फोर्थ और फिफ्थ नंबर के। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे, और यहाँ जो भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास है उसके बारे में भी अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप हमसे किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, मतलब वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोड की जाती है, ट्यूटोरियल्स होते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आप कोई क्वेरी हमको ईमेल कर सकते हैं। यूट्यूब से आप सब्सक्राइब करके लगातार आप वीडियो पा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप किसी प्रकार की पीडीएफ चाहते हैं लेक्चर से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए सबसे पहले क्या है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में बात करें तो मुख्यतः तीन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया तीन होते हैं और इसके एक सब ग्रुप के अंतर्गत आता है, जैसे कि हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ नंबर का। तो ये जो है दोनों टर्शियरी सेक्टर के सहायक यानी कि सपोर्टिंग के तौर पर ये काम करते हैं, जिन्हें हम फोर्थ नंबर पर यानी कि चतुर्थांश और पंचसंख्यक ये जो सेक्टर्स होते हैं वो टर्शियरी सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम, यहाँ देखिए बेसिक तौर पर हम जान लेते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में। तो ओवरव्यू देखिए, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए सबसे शुरुआत की चीज है, जैसे कि हम बोल सकते हैं जहां पर उत्पादन के लिए कच्चा माल आपको प्राप्त होता है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि हम बोल सकते हैं माइनिंग यानी कि जो खदानें होती है, कोयला खान होती है, इसके अलावा फार्मिंग यानी कि खेती की बात करें, जंगल से रिलेटेड लकड़ी या फॉरेस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, फिशिंग मतलब मछली से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, क्योंकि ये जो है उत्पादन के लिए यहाँ पे कच्चा मटेरियल प्राप्त होता है। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं खेती और खेती के सहायक जितनी भी चीजें होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो प्राइमरी क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत आती है, यानी कि उसके बाद जो होता है यहाँ से कच्चा मटेरियल किसको प्राप्त होता है, सेकेंडरी सेक्टर को, और सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पर निर्माण का कार्य किया जाता है। निर्माण यानी कि निर्माण भी होता है, विनिर्माण भी होता है, ये सारी चीज हम देखेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्ट और रिफाइन मतलब रिफाइनरी जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, देखिए कार को बनाना, ड्रेस को बनाना, बिल्डिंग को बनाना, बिल्डर्स का काम, स्टील का वर्क, ये सारे जो है निर्माण के कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल जो भी वर्क होता है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी कि उद्योग से रिलेटेड वर्क। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होता, यहाँ पर सर्विसेस होती है, तो जो भी सर्विसेज होती है वो टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आती है, जैसे कि कस्टमर को कोई सेवाएं प्रदान करना है अकाउंटिंग से रिलेटेड, जैसे ऑडिटिंग का कार्य है, बांटने से रिलेटेड यानी कि ट्रांसपोर्ट की चीजें, लीगल सर्विसेज यानी कि न्यायिक जो व्यवस्था है उससे संबंधित सेवाएं, तो जैसे वकील की सेवा है, डॉक्टर की सेवा है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं या तृतीय क्षेत्र भी जिसे बोलते हैं। इसके दो ग्रुप भी होते हैं, यानी कि फोर्थ नंबर पर जो सेक्टर होता है, फिफ्थ नंबर पर, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया जाता है,
तो उन क्रियाओं को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि हम बात करें कृषि और कृषि से संबंधित जो गतिविधियां होती है वो सभी किसके अंतर्गत आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। जैसे जो फॉरेस्ट्री है यानी कि वानिकी है, कृषि यानी कि फार्मिंग है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, डेयरी है और खनन है, उत्खनन है, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। तो खनन की अगर बात करें हम तो ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब होता है अगर आप सीधी खुदाई कर रहे हैं, जैसे कि रिफाइनरी तेल के कुएं वगैरह होते हैं, सीधी खुदाई की जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, खनन बोलेंगे। और कुछ खुदाई जो होती है हॉरिजॉन्टली भी होती है, हॉरिजॉन्टल यानी कि कोल माइंस की जो खुदाई होती है हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्खनन। तो आप सिंपल फॉर्म में बोले तो खेती और खेती के सहायक चीजें किसके अंतर्गत आती है, प्राइमरी सेक्टर। तो आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं, देखिए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल की बात की जा रही, खेती, डेयरी और मत्स्य पालन यानी कि जो भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं मत्स्य पालन से रिलेटेड चीजें, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें हम तो देखिए इसके अंतर्गत जो है प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है। मतलब जो कच्चा मटेरियल है उसको पक्के रूप में परिवर्तित करना, जैसे कि अनाज से क्या बनाई जाती है, ब्रेड बनाई जाती है, या फिर लोहे से बिल्डिंग बनाई जाती है, या फिर लकड़ी से कोई चीज बनाई जाती है, तो सभी किसके अंतर्गत आती है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत, जहां पर निर्माण और विनिर्माण का कार्य किया जाता है। तो हम देखिए दो प्रकार से बात करते हैं, देखिए निर्माण के अंतर्गत क्या आता है, विनिर्माण के अंतर्गत क्या आता है। निर्माण की अगर बात करें जहां स्थायी संपत्तियों का निर्माण किया जाता है। अब स्थायी संपत्तियां क्या क्या होती है वो आपको पता है, जैसे कि भवन जिसे हम बिल्डिंग बोलते हैं, पुल मतलब जो ब्रिज होता है, ये सभी क्या है, स्थायी संपत्तियां है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती। अच्छा एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, जहां पर देखिए स्थायी संपत्तियों का निर्माण होता है उसे हम निर्माण के अंतर्गत रखते हैं। और विनिर्माण की अगर बात करें तो विनिर्माण के अंतर्गत क्या रखा जाता है, जहां पर किसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, अनाज से ब्रेड बनाना, मशीनरी यानी कि कुछ जो तत्व होते हैं धातु होती है उससे मशीनरी बनाना, विद्युत, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, विनिर्माण के अंतर्गत। जैसे कि देखिए इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, एनर्जी और माइनिंग, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो अमूर्त वस्तु है जैसे कि सेवाएं, इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है, ये सभी किसके अंतर्गत रखी जाती है, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है इन्हें। वित्तीय सेवाएं होती है, प्रबंधन से रिलेटेड सलाह, टेलीफोन सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, सभी टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत काम करती है। तो हम यहाँ देखिए टैक्सी की सेवा है, यहाँ कोई जेल के अंतर्गत हम देख सकते हैं, या फिर टेलीफोन सेवा है, पोस्ट ऑफिस की सेवा है, विमान सेवा है, ये सभी सेवाएं किसके अंतर्गत आती है, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। ये कोई प्रोडक्ट, फिजिकली प्रोडक्ट नहीं होते हैं, इनको हम ना तो टच कर सकते हैं, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर जर्नी, ट्रेन की जर्नी होती है, ये भी एक सेवा है, एडवर्टाइजमेंट होता है, ये भी एक सेवा है, रिटेल, टीचिंग, हेल्थ केयर, होटल्स, ये सभी क्या है, सेवाएं के अंतर्गत आती है। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। अब इसके दो ग्रुप मतलब इसके अंतर्गत दो पार्ट्स होते हैं जिसे हम फोर्थ यानी कि चतुर्थांश और पंच संख्यक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, टर्शियरी सेक्टर। तो हम पहला बात करते हैं क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी सेक्टर जो होता है चतुर्थांश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, ज्ञान के भाग को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ये जो तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर है उसके उप वर्गीकरण के रूप में इसे गिना जाता है, जिसे हम तकनीकी विकास, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे और देखें तो जैसे देखिए उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, सांख्यिकीविद होते हैं, ब्रोकरेज होते हैं, लेखाकर्म, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थांश यानी कि क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक और होता है पंच संख्यक जो क्षेत्रक होता है जिसे हम क्वीनरी सेक्टर बोलते हैं। तो समाज में उच्च स्तर पर निर्णय लेने वाला भाग इसे बोला जाता है, मतलब ये जो होता है अन्य किसी पर निर्भर होना पड़ता है, तो जो समाज का उच्च स्तर है उसके लिए जो है निर्णय लेने के लिए उच्च स्तर इसे माना जाता है। जैसे देखिए जो विश्वविद्यालय होते हैं, मीडिया होता है, विज्ञान, गैर लाभकारी यानी कि एनजीओस जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, क्वार्टरनरी सेक्टर यानी कि फिफ्थ सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। तो ये हमने पांचों चीजें देखी हैं, कौन कौन सी,
प्राइमरी सेक्टर देखे हैं, सेकेंडरी सेक्टर देखे हैं, टर्सरी देखे हैं, फिर क्वाटरनरी देखे हैं और क्यूनरी देखे हैं। तो पांचों क्षेत्र हमने देख लिए हैं अर्थव्यवस्था के। अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीजें जैसे कि वस्तु क्षेत्रक एवं गैर वस्तु क्षेत्रक। तो वस्तु क्षेत्रक के अंतर्गत क्या आता है? फिजिकल चीजें। फिजिकल चीजें किस किस के अंतर्गत आती है हमको हमने देखे अभी, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जो भी चीजें आती है वो फिजिकल ही होती है, मतलब हम इन्हें छू भी सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीजें छू नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या किसके अंतर्गत रखते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि वस्तु क्षेत्र के अंतर्गत वह चीजें आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वस्तु क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें गिना जाता है, जैसे कि भौतिक वस्तुओं के उत्पादन, इनको शामिल किया जाता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीजें होती है वो गैर वस्तु क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, वस्तु क्षेत्र यानी कि प्राइमरी और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत चीजें, और गैर वस्तु क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाने वाली चीजें किसके अंतर्गत आती है? गैर वस्तु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब कुछ और वर्गीकरण की अगर बात करें अर्थव्यवस्था के, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक होता है संगठित सेक्टर, एक संगठित क्षेत्र होता है और एक असंगठित क्षेत्र होता है। तो संगठित का मतलब क्या होता है? जो किसी रूल्स को फॉलो करे, नियमित रूप से रूल्स को फॉलो करे, उसे हम क्या बोलेंगे? संगठित क्षेत्र बोलेंगे, यानी कि संगठित सेक्टर बोलेंगे। मतलब जिस सेक्टर में सारी गतिविधियां एक सिस्टम, एक प्रणाली के माध्यम से, और जहां पर एक कानून का पालन किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? संगठित सेक्टर बोलेंगे। और इस सेक्टर में क्या होता है? श्रमिकों के अधिकारों को पूरी तरह तरजीह, यानी कि उनकी जो श्रमिक है उनके अधिकारों की पूरी इज्जत की जाती है, उनका जो होता है हनन नहीं होता है। और देश तथा उद्योग जो होता है परिपाटी के हिसाब से, मतलब जो कंप्लीट रूल्स है उसके अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन या जो क्षेत्र चलते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? संगठित सेक्टर या क्षेत्र बोलेंगे। इसके विपरीत होता है असंगठित। तो असंगठित क्षेत्र जो होता है जिस सेक्टर के अंतर्गत ज्यादातर कानून की अवहेलना की जाती है और जहां कोई सिस्टम नहीं होता, मतलब सीधे सीधे हम बोले तो इसके विपरीत जो वर्क करता है, छोटे दुकानदार, कुछ छोटे कारखाने वाले जो होते हैं मुनाफे पर ज्यादा, मतलब अपने मुनाफे पर ज्यादा ध्यान देते हैं और श्रमिकों के जो मूलभूत अधिकार है उनकी अवहेलना करते हैं। इसके अलावा श्रमिकों को सही वेतन नहीं मिलता है, उन्हें अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलती है, जैसे कि छुट्टी हो गया, हेल्थ बेनिफिट हो गया और बीमा हो गया। तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलेंगे असंगठित सेक्टर। इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है सार्वजनिक और एक होता है प्राइवेट। तो सार्वजनिक की अगर बात करें तो सार्वजनिक को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर, मतलब ऐसी कंपनियां जिन्हें सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर जिन्हें हम बोलते हैं कि निजी लोगों के द्वारा जिन्हें चलाया जाता है, मतलब जिन कंपनियों को निजी लोगों के द्वारा चलाया जाता है उन्हें हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। तो सर्विस जो सार्वजनिक सेक्टर है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए जो SAIL है यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जिसे हम बोलते हैं, ये सभी क्या है? सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत वर्क करती है। और प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत हम देखें तो टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, हीरो मोटर्स आदि होती है। अब सार्वजनिक सेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्या हुआ था, आजादी के बाद भारत बहुत गरीब हो गया था और मूलभूत जो वस्तु होती थी जैसे कि लोहा, इस्पात और जो एल्यूमिनियम होते थे, खाद, सीमेंट आदि जो होते हैं कारखाने बनाने के लिए जो भारी पूंजी है उसकी जरूरत थी। इसके अलावा सड़क, रेल, जो विमान होते हैं, मतलब एयरपोर्ट्स होते हैं, विमान पतन जिसे हम बोलते हैं, आदि बनाने के लिए भारी पूंजी की भी जरूरत थी। उस जमाने में भारतीय जो उद्यमी होते हैं यानी कि बिजनेसमैन होते हैं उनके पास पैसा इतना नहीं था, तो किसकी जरूरत पड़ी? भारत में जो सरकार है यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत बड़े बड़े उपक्रम की यहाँ पर स्थापना करना शुरू किया, तो इसी के अंतर्गत यहाँ पर सार्वजनिक सेक्टर की जो स्थापना है वो होना शुरू हो गई। तो ये तो हमने देखे संगठित और असंगठित, सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। अब बात करते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है ये हम देख सकते हैं। तो सबसे अधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है अभी सेवा सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, व्यापार के बढ़ते दायरे के कारण क्या हो रहा है, इस क्षेत्र की जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP है 54.4% यानी कि 54.4% की भागीदारी हो गई है। कृषि, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, इसके उत्पादन का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग जो योगदान है 16.1% ही रह गया है। लेकिन अभी भी जो श्रम शक्ति है, मतलब श्रम शक्ति का 50% भाग यहीं पे लगा हुआ है और उसका GDP में देखिए कितना कम हिस्सा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो GDP में हिस्सा है किसका है?
54.4 सेवा क्षेत्र का है। तो इस प्रकार आपने जो है इसके बारे में भी जान लिया है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, देखिए ये जो है हमको बाद में कभी टाइम मिलेगा तो हमने हमको पढ़ने मतलब जो है नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कभी। यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हमने जाने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी, टर्सरी के अंतर्गत एक फोर्थ नंबर पर हमने देखे और एक फिफ्थ नंबर पर देखे। तो इस सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार से पढ़े हैं और जो पहला लेक्चर है उसके बारे में भी हमने देखिए आपको बता दिए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं ताकि बेसिक से आपकी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है यानी कि जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होता रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या जो आर्थिक नियोजन है, मतलब नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन क्या होता है, सारी चीजें हम जानेंगे उससे रिलेटेड। तो थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के पार्ट बनकर आप रेगुलर वीडियोस को पा सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन है, क्यूरी है या फिर कोई भी आपको सजेशन देना तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।